92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओ मैंग्रिंग क्लिंग चामुंडाई विच एक पल सुख और एक पल दुख, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मानो तो सुख, नहीं तो दुख। और अगर मानसिक स्थिति को ही बदल दिया तो चारों ओर सुख ही सुख है। सुख है मेरे चहुं ओर, मात पिता की सेवा सुख है, दीन दुखी की सेवा सुख है, इस समाज की सेवा सुख है, धरती सुख, चंदा भी सुख, सूरज सुख, बादल भी सुख, आ रही जो सांसें उस हवा में सुख। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना इस ब्रह्म मुहूर्त के बाद वाली वेला की आपको देती हूँ करोड़ों बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज सोमवार, श्रावणी सोमवार, सावन का सोमवार है आज। और आज शिवजी के साथ मैंने माता का मंत्र पढ़ा है आपके लिए, तो शिवजी का भी एक बार पढ़ ही दो। ओम नमः शिवाय। 8/8/2016 चंद्र कन्या राशि में रात 10:24 तक, फिर तुला में सुपोदन षष्ठी है आज, और आज शिव जी को चढ़ेगा चावल। हस्ता नक्षत्र है चंद्र का, तो चावल चढ़ाना उचित भी है। सुबह 9 बजे तक है और षष्ठी तिथि की वृद्धि हो गई है। अभी षष्ठी तिथि को शुभ नहीं माना जाता और उसकी वृद्धि हो गई है, तो अपने अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आती हूँ थोड़ी देर में और आपको बताती हूँ मेष से लेके मीन राशि तक का भविष्य, और साथ में आपको बताऊंगी एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल टिप जो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। सोमवार है आज और श्रावण का सोमवार है, तो जाहिर है कि सभी लोग आज मंदिर पहुँचेंगे शिव जी की आराधना करने के लिए। जल, पंचामृत और बेलपत्र, सफ़ेद फूल, नारियल, कपूर, खीर, न जाने क्या क्या भोग भगवान को चढ़ेंगे। और प्रसन्न होकर भगवान जो हैं भोले भंडारी इतना प्यार देते हैं अपनी ओर से कि देखिए भजन भी कैसे कैसे गाते हैं हमारे भक्त। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम सहर में, जिसमें मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको कि मेष से लेकर कन्या राशि के साथ क्या गुजरेगी अब की बार। मेष से लेकर कन्या राशि तक वालों को आज मैं बता दूं कि काल सर्प योग कैसे कुछ राशियों के लिए बना हुआ है और कुछ राशियों के लिए नहीं बना हुआ, जैसे कि मेष राशि के लिए काल सर्प योग बन गया है। किसके स्थान को लेके, परिवार के, अपने स्व के लिए, कर्म को, भाग्य को, लाभ को, और साथ में विदेश यात्रा को, तो इन्हीं सभी चीज़ों में उनको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से अगर काम कोई बन नहीं रहा और खर्चे बहुत हो रहे हैं तो कंट्रोल करना है, माइंड पे कंट्रोल करना है, खुद के कर्मों पे और वाणी पे भी कंट्रोल रखना है। साथ ही में अपने काम में चिड़चिड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है मंगल शनि युति का, ये आपके लिए इतना ज़्यादा लाभकारी नहीं है, तो थोड़ा सा स्लो हो जाइए। वृषभ राशि के लिए आपके लिए काल सर्प योग मेष राशि की तरह ही बन गया और आपके लिए केतु आ गया आपके दशम में, तो दशम में जब केतु आता है तो वो आधे अधूरे काम छुड़वा देता है बंदों के, और उसे लगता है पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा नहीं चलेगी। अभी चंद्रमा सर्क के 5 से 7 दिन में आगे आ जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे ग्रह भी, लेकिन समय लगेगा 3-4 महीने सरकार। तब तक के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी है, वैसे भी सावन है। मिथुन राशि के लिए कन्या में चंद्रमा, आज चतुर्थ में चंद्रमा, तो घर परिवार से रिलेटेड जब हस्ता नक्षत्र आता है तो मातहत लोगों के साथ आपके मतभेद हो जाते हैं और आप जो हैं एकदम चिड़चिड़ा जाते हैं। स्थिति को कंट्रोल में कीजिए, आप कीजिए नवग्रह की आराधना और आपके कोई नहीं बन रहा काल सर्प योग, इसलिए चर्चा नहीं करनी चाहिए। बस अभी जो है सूर्य चला जाएगा, जब 16 तारीख के बाद बनेगा काल सर्प योग, तब हम देखेंगे कि मिथुन राशि के लोगों को कितना सावधान रहना चाहिए और शिव जी की आराधना तो हमेशा करनी ही है। कर्क राशि के लिए आपके काल सर्प योग बन गया आपके पति पत्नी के स्थान पर और आपकी आयु के स्थान पर, आपके भाग्य के स्थान पर, कर्म के स्थान पर, लाभ के स्थान पर और आपके द्वादश में। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल भी जाइए मंदिर और ऐसा न करिए, चूकिए नहीं शिव जी पर, आपको जल चढ़ाना है। आप साथ में नवग्रह के फेरे भी ले सकते हैं। आप अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं,
अभी आपकी बातें ही होंगी लेकिन समय अभी नहीं आया, समय आएगा तब आपका काम होते नजर आता है। मुझे ज्यादा देर की बात नहीं, बस एक महीने की बात है। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी सूर्य जाके द्वादश में वैसे ही बैठा हुआ है, बस लग्न में आने दीजिए, ज्यादा देर की बात नहीं। आज 8 तारीख है, 16-17 तारीख के बाद आप काफी रिलैक्स नजर आते हैं मुझे, और तभी जो इतने ग्रहों का योग बनेगा लग्न में उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है नवग्रह की आराधना और देवों के देव महादेव शिव जी की आराधना। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी भी द्वादश में लग्न में आने में देर नहीं उसको भी, और आपकी बहुत प्रशंसा होगी, आपके तारीफों के पुल बांधे जाएंगे और आपकी मीडिया में भी प्रशंसा हो जाएगी, काम मिल जाएंगे आपको, आपके व्यक्तिमत्व में निखार आएगा, और साथ में आपके कर्म के स्थान पर जो मिथुन राशि का स्वामित्व है उसकी वजह से भी आपके पिता आपको हेल्प करेंगे, आपका काम बढ़ेगा, अच्छे दिन आ रहे हैं, थोड़ा सा धीरज धरिए। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर कन्या राशि तक का भविष्य। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको तुला से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर। छलता है हमें हमारा भाग्य, छलता है हमें हमारा भविष्य, अगर हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं कृष्ण की थ्योरी पर, जैसे कि गीता में उन्होंने वर्णित किया, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाइए। हरे कृष्णा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। एक बार फिर आप सबके साथ मैं कामिनी खन्ना इस मंगलमय सुबह की आपको देती हूँ बहुत सारी बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग सुप्रभात। ये प्रभात आपके लिए बहुत सारे अच्छे संदेश लेकर आए। आपने सूर्य को निकलते देखा, एक बार फिर आपकी आंखें खुल गईं और प्रभु ने आपको खेलने खाने का मौका दिया है। कितने भाग्यशाली हैं आप, और फिर भी आप छोटी छोटी बातों को लेकर उलझते हैं। अभी बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, साथ में ये भविष्य सुनना है कामिनी खन्ना का तुला से लेकर मीन राशि तक का। तुला राशि के लिए अब जो है आपके काल सर्प योग बना है पराक्रम में, चतुर्थ में, यानी कि सुख की जगह पर बच्चों के स्थान पर, शत्रु स्थान पर, आपके पति पत्नी के स्थान पर, आयु के स्थान पर और भाग्य के स्थान पर। क्या करना है आपको, आपको करना है थोड़ा सा सब्र। अभी बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा जब गुरु सरक जाएंगे आगे और सूर्य भी सरक जाएंगे आगे 16 तारीख के, अभी 11 तारीख को गुरु सरकेगा, उसके 16 तारीख के बाद जो है सूर्य सरक जाएंगे, तो आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे। बहुत सारी बातें जो आपको बहुत एकदम गला आपका रुंध गया है उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। गॉड ब्लेस यू, बहुत सहा है आपने, मैं आपके साथ हूँ, कोई समस्या है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बहुत स्वस्थ है, बेचैन हो आप अंदर अंदर लेकिन बताते नहीं, आप मृदुभाषी हो इस वजह से अपनी तकलीफों को अपने तक ही रख लेते हो। आपके कालसर्प योग के निवारण के लिए आपको हनुमान जी की पूजा तो करनी ही है, साथ ही में आपको शिव जी की आराधना भी करते रहनी है। धनुराशि। धनुराशि के लिए पंचग्रह योग इनके भाग्य में बनने के कारण इनको विदेश जाने का चाव चढ़ा हुआ है, लेकिन अभी ये यात्रा सफल नहीं हो सकती, इस बात को लेकर नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि यही यात्रा जो है 18 सितंबर के बाद हो जाएगी एकदम पॉजिटिव। तो बस एकदम पॉजिटिव रहकर काम पे लगे रहिए, आपको ये काम करना है। आपके जो मातहत लोग हैं उनके साथ, अपनी माता के साथ आप मृदुभाषी बोला कीजिए, आप थोड़ा सा रूढ़ हो जाते हैं, थोड़ा सा कड़क बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। धनुराशि वालों को करनी चाहिए श्री गणेश जी की आराधना, जिसकी वजह से उनका जो माइंड है वो हमेशा सद्बुद्धि में रहे। मकर राशि। मकर राशि के लिए आज चतुर्ग्रही योग जो इनका अष्टम में पहले से बहुत दिनों से बना हुआ है, आज ही नहीं चंद्रमा निकल के आगे सरक गया है भाग्य में, और भाग्य में चंद्रमा जब आकर अच्छा संदेश देता है, इनको मन प्रसन्न होता है इनका, तब ये स्व के लिए चिंतित हो जाते हैं, परिवार के लिए होते हैं, पराक्रम के लिए होते हैं, सुख के लिए होते हैं। मेरा कहना ऐसा है कि दिस टू विल पास, कोई चीज़ टिकने के लिए नहीं आई है, अभी तो फिलहाल एंजॉय करिए इन 2-4 दिनों को जो कि बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, अच्छी अच्छी खबरें। आगे की कहते हैं ना, सोच के क्या फ़ायदा, जब कृपा योग होता है तो उससे बड़ा योग कोई नहीं होता, इसलिए हमेशा ग्रहों के पीछे ही नहीं चलना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी भी अस्वस्थ, लेकिन लग्न में जो केतु है वो आपके काम पूरे नहीं होने देता, जिस वजह से आप परेशान हो, चंद्रमा की मूवमेंट भी आपको फेवर नहीं कर रहे। अब इन सब चीज़ों को फेवरेबल बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ एक अच्छा सा उपाय, आपको करनी है महाकाली की पूजा, रोज हो सके तो महाकाली के मंदिर जाइए, अदरवाइज आप सैटरडे
और बुधवार के दिन महाकाली के मंदिर जाइए, आपके काम बन जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अस्वस्थ, अभी ठीक होने के लिए बस 5-6 दिन की बात है, इतना भी नहीं, 4-5 दिन की बात है, और आप एकदम टनाटन टकाटक दौड़ते कूदते हंसते खेलते नजर आएंगे मुझे। लोगों के साथ अपना तो बना के रखिए, लोगों को अपना बना के रखिए, आप लोगों से दूर हो जाते हो अपना मतलब होने के बाद, क्योंकि आपकी राशि का स्वभाव है हो मीन, मतलब कि मछली की तरह हाथ से निकलते जाते हो आप, और किसी की मदद करने के समय आप पूरे नहीं उतरते। इस स्थिति से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए आप शिव जी के और गुरु के शरण में जाइए ताकि लोग आपको सपोर्ट करें। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। आती हूँ थोड़ी देर में आपको बताने के लिए एक ऐसा बढ़िया एस्ट्रोलॉजिकल टिप जिसकी वजह से आपके जीवन में जो है एक निराला सा अनुभव होगा कि चलते फिरते और उठते बैठते ये उपाय हो जाएगा, खर्च भी नहीं होगा, है ना मजे की बात। शिव जी की आराधना करो और अंबे को ना बुलाओ तो गलत हो जाता है। कहते हैं शंकराचार्य जी ने जब शिव जी की आराधना की और माँ को नहीं बुलाया तब वो उनसे नाराज़ हो गई। तब नाना प्रकार से मंत्रों की वर्षा करके शंकराचार्य जी ने माँ को मनाया। आइए माँ को मनाते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चीज कौन सी होती है जो कि आपको फ्री मिल जाए। कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में देने को आई है ऐसी फ्री चीज़ों का ढेर, उपाय आपको जो आपको मिलते ही आपकी ये सुबह तो हो जाएगी एकदम मज़ेदार टकाटक, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल टिप जिससे आपके जीवन में आ जाएगी बहार। वैसे भी बाहर जाके देखिए आप, सूर्य निकल आया है और तितलियाँ गुंजार करती हैं, उन पर भंवरे और फूलों की मधमाती सुगंध, और ये सब एकदम फ्री, ये भी फ्री मिल रहा था तब भी आपने उपयोग नहीं किया, और आप काम नहीं करना आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप भी फ्री बताने जा रही है। वो ये कि चंद्र और शनि जिसकी कुंडली में इकट्ठे बैठे रहते हैं उनको मानसिक तकलीफ होती है। ऐसे में एक सीधा साधा उपाय क्या है, आंखों में काजल लगाना, खासकर सोमवार और शनिवार के दिन। कितनी अच्छी बात है कि आप खूबसूरत के खूबसूरत हो गई और साथ में आपने काजल लगाया और साथ में उपाय भी हो गया। लेकिन फिर पुरुष क्या करेंगे, है ना, क्योंकि पुरुष तो काजल नहीं लगाएंगे आँख में। तो पुरुषों के लिए चंद्र का उपाय ये है कि आप एक कटोरी में दूध ले जाइए स्नान करते समय, और नहाने के बाद में वो दूध अपने बॉडी पे मलकर पानी डालकर वाइप आउट करके आ जाइए। उस पर दोबारा साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं आपको, आपके चंद्रमा का उपाय हो जाता है ऐसा करने से। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको चंद्र और शनि का उपाय। कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल 92.7 बिग एफएम पर फॉलो भी कर सकते हैं, और मैं जल्द ही आपके बीच आऊंगी रेडियो के थ्रू, आपसे बात करूंगी, आपकी समस्याओं का निवारण करूंगी, बस थोड़ा सा और इंतज़ार। तब तक के लिए एक बात बता दूं आपको, मैंने आराधना कर ली शिव जी की, मैंने आराधना कर ली माता की, और गणपति जी की आराधना नहीं की तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उनके माता पिता ने ही उनकी सर्वप्रथम पूजा का अधिकार दिया हुआ है। गंग गणपते नमः।